मुरादाबाद के मूंढा पांडे क्षेत्र में दबंगों द्वारा तमंचे के बल पर एक किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने साथ हुई आपबीती घर जाकर अपने पिता को बताई तो किशोरी के पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किशोरी के पिता ने हिम्मत दिखाते हुए दबंग युवकों के खिलाफ थाने पहुंचकर थाना पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई है। तो थाना पुलिस पहले तो पीड़ित किशोरी को कई घंटे तक थाने में इधर उधर ठहराती रही, और जब पीड़ित के पिता दबंगों के खिलाफ कार्यवाही पर अड़ गए तो पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेकर कार्यवाही करने की बात कही। कंचन जी, आज जो आप थाने आई हैं, क्या मामला है पूरा? गुंडागर्दी का मामला है ये, और मतलब छेड़खानी करते हैं ये, और कमरे में नहीं तो हमारे फ्लैट पर गेट है, ऊपर है और नहीं छत है, और हम फोटी वोटी वगैरह करते हैं तो ये लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, सीटी मारते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं ये? बाबू और राजा और भोले। कहाँ के निवासी? आप कौन से गांव से हैं? बदासना। आपने थाने में से शिकायत करी? थाने में शिकायत करी, कई बार गए हम, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी, और मम्मी से लड़ाई हो रही थी तो मैं गई शोर सुन के, फिर कहा मैंने कि 100 नंबर पर फ़ोन कर दूँ, फिर राजा ने फ़ोन लिया मेरे हाथ में से और दीवार में मार दिया, फंस के फ़ोन टूट गया, बड़ा फ़ोन था, और रोली और बाबू के हाथ में तमंचे थे, पुराना नाम उनका यही है जो बोलते हैं घर में। अच्छा अच्छा, अगर आपकी थाने सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम मुकदमा लड़ाना चाहते हैं, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है।